हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। मैं मिथिलेश साहू स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में। और आज का वीडियो भी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम से रिलेटेड ही होने वाला है, जो बेस रहेगा आपके क्वेश्चन आंसर्स पे। जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, जो जो कमेंट्स कर रहे थे, उसी के बेसिस पे ये वीडियो लेके आए हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स डाल रहे थे कि हाउ टू चेंज SSB डेट्स, तो इस पर मैं बात करूँगा कि कैसे आप लोगों को अपना डेट चेंज करना है और हाउ टू चेंज इंटरव्यू सेंटर। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे कि अपना इंटरव्यू सेंटर जो मिला है उसको कैसे आप लोग चेंज करोगे। उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स का इस प्रकार का भी मैसेज आ रहा था कि कंफर्मेशन मेल अभी तक नहीं आया है, तो उन कैंडिडेट्स क्या करेंगे, क्या उनको मेल नहीं आया तो उन लोग शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं। इस प्रकार के सभी डाउट्स को आपके मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कि आप लोग एनसीसी वे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपको एनसीसी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि हाउ टू चेंज SSB डेट्स। आप लोगों को अपना SSB डेट्स चेंज करने हैं जो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है ये मैं आप लोगों को डैशबोर्ड में लेके दिखाना चाहूँगा। तो देखिए गाइस, ये है मेरा डैशबोर्ड। ऊपर आप लोग देख पाओगे मैं लॉगिन करके रखा हूँ अपना ID, और नीचे आऊँगा तो आप लोग यहाँ पे भी देख पाओगे, यहाँ मेरे को डेट सिलेक्शन लिंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो जिसमें मैंने क्लिक किया तो मेरे को इस प्रकार के ऑप्शन खुल के आए हैं। और मैं ये जो 56 वाले हैं इसके पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक किया हूँ तो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं जिसमें यूअर डेट चॉइस सिलेक्शन इज़ सक्सेसफुली, मतलब मेरा डेट सिलेक्शन तो हो चुका है। क्यों हो चुका है? मैंने सेलेक्ट किया था डेट। यदि मैंने डेट सेलेक्ट नहीं किया था फिर भी मेरे को सिस्टम जनरेटेड डेट मिल चुका है। तो इस प्रकार के यहाँ पे डेट एंड वेन्यू लिखा हुआ है, जिसमें मेरे को इलाहाबाद मिला है सेंटर, और कब से रहेगा तो 27 तारीख 5वां महीना 2024 से 31 तारीख 5वां महीना 2024, इस बीच में मेरा SSB इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और यहाँ आप लोग जितने बार भी इस पेंसिल पे क्लिक करोगे तो आपको यही खुल के आएगा आपके सामने। और मैंने ये भी बताया था वीडियो के बीच में, प्रीवियस वीडियोस में, कि आप लोग यदि अपना डेट सिलेक्शन करते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप लोग एक बार डेट सिलेक्शन कर लेते हो, जैसे ही आप लोग डेट सिलेक्शन कर लेते हो उसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार का इसमें आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ये मैंने बार बार बोला था, इसीलिए आप लोगों को ये भी बोला था कि तुरंत आप लोगों को डेट सिलेक्शन नहीं करना है। जैसे ही आप लोग डेट सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद आप लोग इसके इनके जो मेल है उन पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो भी आपका डेट चेंज नहीं होता। इसका रूल ही यह है कि आप लोगों ने एक बार डेट सेलेक्ट कर लिया तो कर लिया, इसमें किसी प्रकार के आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ये हो गया पहला क्वेरी। और इसके बाद काफ़ी कैंडिडेट्स अपने से डेट सिलेक्शन नहीं किए हैं, उनको कैसे चेक करना है, तो आप लोग सिंपल से यहीं आओगे, अपना डैशबोर्ड लॉगिन करोगे, ये सेलेक्ट करोगे ये वाला, फिर इसके बाद पेंसिल पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला इस प्रकार के मैसेज देखने को मिलेगा। और आप लोगों को भी डेट सिस्टम जनरेटेड डेट मिल चुका है। किन कैंडिडेट्स को? जिन्होंने अपने से डेट सिलेक्शन नहीं किया उनको सिस्टम जनरेटेड डेट मिल चुका है। बाद काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी जानना चाह रहे थे कि अपना SSB इंटरव्यू का जो सेंटर है जो इलाहाबाद है, जैसे कि मेरे को इलाहाबाद मिला है, किसी को भोपाल मिला है, किसी को जलंधर सिटी मिला होगा, किसी को और फोर्थ प्लेस मिला होगा, तो आप लोग अपना डेट चेंज, मतलब अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो, SSB इंटरव्यू सेंटर चेंज करना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि ये जो लोकेशन मिला रहता है आप लोगों को, जो लोकेशन अलॉट किया जाता है, जो सेंटर अलॉट किया जाता है, वो भी सिस्टम जनरेटेड होता है। इसमें किसी प्रकार का आपका डिस्टेंस आपके होम से आपका जो इंटरव्यू सेंटर है उसका डिस्टेंस निर्भर नहीं करता, या किसी प्रकार के प्रीवियस, जैसे कि मेरे को इस बार इलाहाबाद मिला तो नेक्स्ट बार भोपाल मिलेगा, ये भी डिपेंड नहीं करता। ये भी सिस्टम जनरेटेड ही मिलता है। किसी कैंडिडेट्स को कोई भी सेंटर अलॉट कर दिया जाता है और इसमें किसी प्रकार के आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये दूसरा क्वेरी आपका क्लियर होता है। तो यहाँ से आप लोगों के दो डाउट्स क्लियर हो गए कि आप लोग किसी प्रकार से अपने डेट्स में चेंजेस नहीं कर सकते, और आप लोग किसी भी प्रकार से अपना जो इंटरव्यू सेंटर है उसमें भी चेंजेस या कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को कोई गलत डेट मिल चुका है सिस्टम जनरेटेड, या आप लोगों ने जो सेलेक्ट किए हैं उस बीच में कोई बड़ा काम है आपका, या कोई मेन एग्ज़ाम है, या कोई दूसरा एग्ज़ाम है, इस बार आप लोग इसमें इंटरव्यू में जा नहीं पाओगे, तो मैं वो आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग इस बार का इंटरव्यू स्किप कीजिए। ये साल में दो बार आता है तो नेक्स्ट फिर से आएगा, इस बात को ध्यान रखोगे। SSB इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो साल में दो बार आता है NCC कैडेट्स के लिए, तो आप लोग नेक्स्ट बार फॉर्म भरिएगा और अपडेटेड रहिएगा इस चैनल से। और यदि आप लोगों को जो सेंटर मिला है वो भी आपके लोकेशन से बहुत दूर है, या आप लोग वहाँ जा नहीं पाओगे, तो आप लोग इस बार स्किप कर सकते हो सकता है नेक्स्ट बार आपको अपना नियरेस्ट सेंटर देखने को मिल जाएगा।
अब बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स को कंफर्मेशन मेल अभी तक नहीं आए हैं, तो वो क्यों नहीं आए हैं। जैसे ही आप हम लोग डेट सिलेक्शन करते हैं तो हम लोगों को एक कंफर्मेशन मेल आता है, मैं आप लोगों को वो मेल भी दिखाना चाहूँगा। तो गाइस ये है ऑफिशियल मेल जो जॉइन इंडियन आर्मी की ओर से आया है, और ये जैसे ही आप लोग डेट सिलेक्शन कर लेते हो उसके तुरंत बाद आपके मेल में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में मेल किया जाता है, जिसमें लिखा होता है डियर कैंडिडेट्स का नाम, उसके बाद यूअर डेट फॉर एसएसबी इलाहाबाद, जो डेट आप लोगों ने सेलेक्ट किए थे वो लिखा रहता है कब से कब तक चलना है, उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम भी लिखा रहता है कि जो आपका सेम डेट है मतलब फर्स्ट डे है वही आपका रिपोर्टिंग डे होगा और वही स्क्रीनिंग डे काउंट होगा। उसके बाद जितना भी इंस्ट्रक्शन है जैसे कि कॉल अप लेटर वगैरह वो जॉइन इंडियन आर्मी में मिलेगा, ये मैंने वीडियो में बता चुका था। इस प्रकार के आप लोगों को मेल नहीं आया है काफ़ी कैंडिडेट्स को। तो किन कैंडिडेट्स को ये मेल आया है, तो जो कैंडिडेट्स अपने से सेल्फ से अपना डेट सिलेक्शन किए हैं उन लोगों को इस प्रकार का कन्फर्मेशन मेल आया है, और काफ़ी कैंडिडेट्स जो अपने से डेट सिलेक्शन नहीं किए हैं उनको सिस्टम जनरेटेड डेट मिला है, उनको इस प्रकार के कंफर्मेशन मेल्स प्राप्त नहीं हुए हैं। आपको वहीं अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके आपको अपना सेंटर देख लेना है और आपको अपना डेट देख लेना है, जो डेट दिया है और जो टाइमिंग दिया है 6 बजे ही सबको रिपोर्टिंग करना है सेम डेट में, जिस डेट में आपको स्टार्टिंग डेट है उसी डेट में 6 बजे आप लोगों को वहाँ रिपोर्ट करना है सेंटर में, इस बात का ध्यान रखोगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अभी भी आपके मन में कुछ सवाल हैं, अगर कुछ सवाल या कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करोगे। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए या आपका कोई क्वेरी है तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो, आप लोगों को रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा। बने रहिए एनसीसी वे चैनल के साथ, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।